दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े हिम्मेदार सवाल। प्रत्येक सवाल के लिए मिलेगा सोचने के लिए 5 सेकंड। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं। अमीर बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सवाल नंबर 1, आदमी अमीर कब बनता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर करोड़पति बनना है तो। अगर करोड़पति नहीं बनना है तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, जब अपने बच्चे को बचपन से पढ़ाता है वही आदमी अमीर बनता है, जो अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ाता है वो अमीर कभी नहीं बनता है। ये बात आप लोग कॉपी कलम पर लिख करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बच्चे को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। सवाल नंबर 2, आदमी गरीब कब बनता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हमेशा अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी आप तक मेरे दोस्त मेरे भाई। दोस्तों इसका सही आंसर है, जब अपने बच्चे को पूरा छोड़ देते हैं छुट्टा खेलने को कूदने को कोई भी कुछ मारपीट करने के लिए, तो जो है आदमी कभी भी गरीब बनता है। इसीलिए सबसे है कि माता पिता उसके हाथ में रहता है बच्चे को पढ़ाना लिखाना, बच्चे को पढ़ाने के और जीवन बनाने के लिए माता पिता के हाथ में होता है। सवाल नंबर 3, कोई भी काम करने से पहले क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए, कि दोस्तों की अच्छा जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, 3 बार जरूर सोचना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। जो लोग सोच समझ करके कोई भी काम नहीं करते हैं उनके घर में गरीबी आ जाती है। कोई भी काम करना है तो पहले 3 बार सोचिए भगवान का नाम लेकर के, नहीं तो बहुत हानि होती है अपने आप को। दोस्तों सवाल नंबर 4, बच्चे को अच्छे पढ़ाई कराने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? दोस्तों अच्छा जीवन बनाना है, देश को अच्छा बनाना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, ट्यूशन जरूर कराना चाहिए। ट्यूशन कराने से बच्चा जो है वो सुंदर हो जाएगा और पढ़ाई में मन लगेगा। ट्यूशन कराने से ये होता है कि बच्चा को गारंटी रहता है कि हाँ बच्चा मेरा निकल जाएगा, ये नहीं कि न पढ़ाएं। सवाल नंबर 5, लहसुन की चटनी खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए, कि अच्छा जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे दोस्तों अच्छा जानकारी से। दोस्तों इसका सही आंसर है, शरीर की 1000 बीमारी नष्ट होती है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि आप लोग अपने बाल बच्चे को जरूर पढ़ाइए। अगर आप अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपके जीवन हो जो है बुढ़ापे में गजन कभी नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहें, मस्त रहें।